वेतन समझौते की मांग को लेकर शुक्रवार को हिंदुस्तान एम्प्लॉयज यूनियन सीटू द्वारा इक्विपमेंट चौक सेक्टर 1 में धरना दिया गया। दिन भर प्रदर्शन के दौरान यूनियन पदाधिकारियों ने वेतन समझौते में हो रहे विलंब के लिए नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। बीएसपी के महाप्रबंधक के माध्यम से एनजेसीए संयोजक के नाम पत्र प्रेषित कर समझौते की विसंगतियों को जल्द दूर कर लंबित मुद्दों के निदान की मांग भी की। आज हम लोगों ने वेतन समझौता 2001-17 से जो लंबित वेतन समझौता है उनकी लंबित मांगों जो पेंडिंग इश्यू पड़ा हुआ है 39 महीने के एरियर्स है और एचआरए का मुद्दा है, नाइट शिफ्ट अलाउंस है और जो दुर्गम क्षेत्र के लिए विशेष भत्ता है उनके लिए मांगों की है, उनके साथ साथ जो वेतन समझौता के लिए हमारे नए युवा पीढ़ी के कर्मचारी हैं उन्होंने प्लांट अंदर जो भी प्रदर्शन किया था उन पर जो एक्शन हुआ था उनको भी वापस लेने, स्थानांतरण को वापस लेने, इन सारे मुद्दों को लेकर के है हमने आज का एक धरना एक दिवसीय प्रदर्शन किया था। अगला कदम हम 28 तारीख को भी एक महाधरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बोरिया गेट धरना नहीं है, केवल प्रदर्शन ही है। उसके आगे यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो आगे और की रणनीति हम तय करेंगे अपनी वर्किंग कमेटी में। डिसीजन जैसे आएगा ऊपर फेडरेशन से भी बातें करेंगे, उसके बाद कार्रवाई आगे कार्यक्रम तय करेंगे।